यार मैं तो पक गया हूं, मैं बोर हो गया हूं, मैं खाते खाते इसे ऊब गया हूं, मैं यहां रहते रहते बोर हो गया हूं, मैं तो बिल्कुल पक चुका हूं यार। ये रोज रोज का वही वही सब, सुबह उठना, वही काम पे जाना, और वही सुबह से शाम तक बॉस की गालियां सुनना, सुबह से शाम तक वही ग्राहकों का इंतजार करना, वही रोज रोज स्कूल जाना। तो आप भी पक जाते हैं, आप भी बोर हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं तो यार बिल्कुल पूरी तरह से ऊब चुका हूं इस काम को करने से। इसे कभी कभी इंग्लिश में भी कहना पड़ता है। आइए सीखते हैं इसको इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे। हे माय नेम इज अभिषेक, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, ट्रेनिंग द पीपल फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड डेवलपिंग देयर कॉन्फिडेंस थ्रू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इसे अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं वेट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए अभी। राइट, हिट द लाइक बटन। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। और यदि आप कुछ भी कमेंट्स में करते हैं तो ये वीडियो आगे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। सो, मुझे उम्मीद है आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। कुछ भी लिख दीजिए, ऑसम, वंडरफुल, आई लाइक इट, कुछ भी लिख दीजिए। राइट, वीडियो को लाइक भी करिए और इसे अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं बोर हो गया हूं, मैं ऊब गया हूं, मैं पक गया हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम फेड अप। आई एम फेड अप। भाई जीवन में 10-20 साल आप एक ही पार्टनर के साथ रह लो, तो कई बार आप कह देते यार फिर आ गई, या तुम फिर आ गए यार, तुम जल्दी क्यों आ जाते हो ऑफिस से घर। आई एम फेड अप विद यू, फेड अप विथ, आई एम फेड अप विथ। राइट, रोज एक ही बॉस देखना है, रोज ना कोई स्मार्टनेस है, कोई सफेद से बाल सारा यू नो बड़ा तिरछा। आई एम फेड अप विद यू बॉस। आप नहीं कहेंगे, नहीं तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। तो आपको ये कहना नहीं है, बस अंदर से अपने दोस्तों से आई एम फेड अप विद माई बॉस, आई एम फेड अप विद गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, विद आ गया, तो अब इसके बाद यदि कोई एक्शन आता है तो आपको एक्शन में आई एन जी यूज करना चाहिए। आई एम फेड अप विद गोइंग टू स्कूल, आई एम फेड अप विद वर्किंग इन किचन, आई एम फेड अप विद ट्रेवलिंग, आई एम फेड अप विद शूटिंग वीडियोस, आई एम फेड अप विद इंग्लिश वीडियोस। तो अब आप इसे कैसे कहेंगे? आई एम फेड अप विद शूटिंग वीडियोस, आई एम फेड अप विद लर्निंग इंग्लिश, आई एम फेड अप विद इंग्लिश वीडियोस। राइट, कई बार तो कहते हैं मैं तो यार बिल्कुल दुखी हो गया हूं, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, आई एम फेड अप विद माई लाइफ। आर यू फेड अप? आर यू फेड अप विद समथिंग? क्या आप भी किसी तरीके से पूरा भर गए हो? फेड अप, भाई ये इंग्लिश में कैसे बना है आप देखिए जरा। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, और फीड की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है फैट। और जब आप कहें मैं ऊपर तक भर चुका हूं, तो आप कहते हैं आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद। अब जिस भी चीज को आप ज्यादा कर लेते हैं, रोज 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 रोज, भाई मान लेते हैं आपके घर में बन रहा है कढ़ाई पनीर, अब आप एक दिन खा लोगे, दो टाइम खा लोगे, तीन टाइम खा लोगे, चार टाइम, अब चौथे टाइम पे आप कहोगे यार तुम कुछ हल्का बनाओ ना। आई एम फेड अप विथ ईटिंग कढ़ाई पनीर। तो जब कभी भी किसी चीज की अति हो जाती है, भाई मान लिया आप घर से निकले घूमने के लिए, यहां भी घूम, वहां भी घूम, वहां भी घूम, वहां भी घूम, फिर आपको एक दिन घर की याद आने लगेगी, यार आई एम फेड अप विथ ट्रेवलिंग, आई एम फेड अप विथ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, आई वॉन्ट गो बैक होम, मुझे घर जाना है। राइट, कई बार होता है कि आप खा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप हैवी फूड ले रहे हो, तो आई एम फेड अप विथ ईटिंग हैवी फूड। जब कभी भी किसी चीज को आप बहुत ज्यादा कर लेते हो, राइट, अब जैसे सूर्यवंशम टेलीविजन पे, सेट मैक्स पे आए दिन आती रहती है, ठाकुर ठाकुर और हीरा, राइट, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, ठाकुर पता नहीं प्रताप प्रताप क्या नाम है, राइट, लेकिन हीरा और ठाकुर देख देख के मैं बिल्कुल पक गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस मूवी, आई एम फेड अप। आर यू फेड अप विद समथिंग? व्हाट आर यू फेड अप विद? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है फेड अप को यूज करना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। राइट, यदि आपने इसे सीख लिया है तो कमेंट्स में जाइए और कम से कम दो सेंटेंसेस लिखिए आई एम फेड अप विद,
और साथ में यदि आप चीज का नाम लगाते हैं तो ऐसे ही चीज का नाम लगाइए, और यदि किसी चीज को करते करते आप ऊब गए हैं तो एक्शन में आईएनजी लगा के यूज कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।